हेलो गाइस, तो आज मैं वन एक्शन फैन फैक्शन का अगले बार स्पेंड करूँगी। गाइस आई एम सो सॉरी, जो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियोस ला रही हूँ। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे चैनल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इस वजह से बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग करने का। मूड ख़राब है मेरा। अच्छा तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार हमने देखा था कि लेंस एंड का फेस जो जल जाता है एसिड की वजह से, जो एसिड विंग पर वो डाकू फेंक रहे थे विंग के फेस पर, तो वो जो लेंस है जो विंग के सामने आ जाता है और उसका फेस जल जाता है। और चाची जो सारा ब्लेम विंग को देती है कि विंग तुम अनलक्की हो, तुम जिनकी भी लाइफ में होते हो उनकी लाइफ इसी तरह बर्बाद हो जाती है, और विंग जो बेहोश हो गया था। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। हमारा सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि विंग बेहोश था और वो जो बेड पर लेटा हुआ था और विंग को जो ड्रिप लगी हुई थी, लेंस की माँ देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे हमारा सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि लेंस की माँ जो बाहर बैठी थी लेंस की ऑपरेशन रूम के बाहर, तो डॉक्टर जो इतने लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जैसे ही रूम से निकलते हैं तो लेंस की माँ जल्दी से खड़ी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर लेंस कैसा है? तो डॉक्टर जो बोलता है, हमें आपसे कुछ बात करनी है, मेरे ऑफिस में आइए। तो लेंजन की माँ शॉक में हो जाती है, लेंजन की माँ शॉक में हो जाती है और डॉक्टर जो ऐसा बोल के चला जाता है। लेंजन की माँ फिर लेंजन के रूम के पास जाती है और जो विंडो से देख रही थी लेंजन को, जो एक छोटी सी विंडो होती है जो गेट जो हमें, तो लेंजन की माँ जो विंडो से लेंजन को देख रही थी, लेंजन के पूरे फेस पर बैंडेज लगा हुआ था। और लेंजन और माँ जब लेंजन को ऐसा देख लेती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे हमारा सीन कट हो जाता है, हमें हमें ऑफिस रूम दिखाया जाता है। लेंजन की माँ और डॉक्टर जो बैठे हुए थे आमने सामने, डॉक्टर जो लेंजन का एक्सरा माँ को दिखाता है और बोलता है कि लेंजन की थैंक गॉड जो लेंजन की आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, हमें लगा कि एसिड उसकी आंखों पर भी लगा होगा, हम जो बहुत डर गए थे, बट थैंक गॉड जो लेंजन की आंखों की रोशनी नहीं गई है, लेंजन की आंखें बच गई है। तो लेंजन की माँ रिलैक्स हो जाती है और फिर डॉक्टर बोलते हैं एसिड बहुत ज़्यादा पावर वाला था। लेंजन की माँ बोलती है, डॉक्टर आप पैसों की कोई फिक्र मत कीजिए, हम आप लेंजन की प्लास्टिक सर्जरी करा दीजिए, लेंजन का फेस ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर जो बोलता है, हाँ ठीक हो सकता है बट लेंजन का नहीं। तो लेंजन की माँ शॉक में हो जाती है, लेंजन की माँ बोलती है, क्या लेंजन का फेस क्यों नहीं ठीक हो सकता है? तो डॉक्टर बोलता है, लेंजन की स्किन कोई नॉर्मल स्किन नहीं है, लेंजन जो उन पर्सन में है जिनका फेस बिल्कुल वाइट है, तो ऐसे पर्सन की स्किन बहुत नाजुक होती है। तो लेंजन की माँ डॉक्टर की बात सुनती है, तो डॉक्टर को शॉकिंग नजर से देख रही होती, तो डॉक्टर देख रहा होता है कि लेंजन की माँ कुछ समझ नहीं पा रही है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वाइट पर्सन होते हैं जिनकी स्किन बहुत वाइट होती है उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, और जिनकी स्किन का रंग डार्क होता है उनकी स्किन सबसे अच्छी स्किन होती है, उस स्किन को कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा ही होगा ज़्यादा वाइट पर्सन के फेस पर पिंपल्स होते हैं, अलग अलग तरह के दाग होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन नाजुक होती है। वो लोग कुछ भी ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑयल वाला केक खा लेते हैं या वाइन पी लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी केमिकल वाली क्रीम यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके फेस डैमेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्किन नाजुक होती है। बट यही क्रीम और यही केक और यही वाइन वगैरह अगर कोई डार्क स्किन वाला पर्सन यूज़ करे, जैसे जिनकी स्किन का रंग डार्क हो, तो उनके फेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत अच्छी स्किन होती है। हर स्किन हर फेस अलग अलग होते हैं। लेंजन की स्किन बहुत नाजुक है जिसकी वजह से लेंजन का हम अगर प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे लेंजन की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेंजन को स्किन प्रॉब्लम्स होगी, उसकी स्किन में दर्द होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सनलाइट में वो नहीं चल सकेगा, सनलाइट के नीचे वो बिल्कुल भी सूरज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा,
वो स्विमिंग नहीं कर पाएगा, आप समझ रही हो। तो हमारा तो लेंजन की माँ जिसकी आंखें इतनी नम होती है उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और रोने लग जाती है। तो लेंजन की माँ पूछती है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि लेंजन का फेस जैसा जला हुआ है ऐसा ही रहे। तो डॉक्टर बताए, अगर आप लेंजन को खुश देखना चाहती हो तो लेंजन का फेस आपको इसी तरह ही छोड़ना होगा। अगर हम लोगों ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा दी उसके बाद इसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने काफ़ी प्लास्टिक सर्जरी की है और मैंने आज तक उनकी प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, वो लोग घर में ही बंद हो जाते हैं। फिर तो इसी वजह से मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि फिर इसके बाद लेंजन को ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। वो धूप में नहीं चल पाएगा, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, स्विमिंग नहीं कर पाएगा, उसके फेस पे कभी भी दर्द होगा, आप समझ रही हो। लेंजन की लाइफ फिर अच्छी नहीं होगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लेंजन की स्किन फिर बहुत ज़्यादा हॉरेबल हो जाएगी। फिर क्या करोगी आप? वो 50 साल का हो जाएगा तो उसकी स्किन फिर बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगेगी। तो लेंजन की माँ शौक में होती है और वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और बोलती है, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए ना, मेरे लेंजन को ठीक कीजिए। तो डॉक्टर सर नीचे कर देता है और बताए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेंजन इसी तरह ही होगा, मेरे से हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि लेंजन का फेस ठीक हो जाए, बट वो पहले की तरह नहीं होगा। शुरू में लेंजन की स्किन बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर फिर चुप हो जाता है और आगे वो कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि लेंजन की माँ जो इतनी शौक में थी और वो जो उसकी आँखों से जितने आंसू बह रहे थे तो डॉक्टर उसको देख कर बिल्कुल भी बोल ही नहीं पा रहा था। तो लेंजन की माँ जो सद लेंजन की माँ को इतना शौक लग जाता है और वो जो चेयर पर बैठ जाती है तो डॉक्टर फिर लेंजन की माँ को बताए, देखिए आप हिम्मत से काम लीजिए, अब आप ही लेंजन की हिम्मत बनोगे क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसे टाइम पर हर कोई साथ छोड़ जाता है, जो मैरिड होते हैं ना उनके बीच में डिवोर्स हो जाता है, कोई भी ऐसे टाइम पे अपने पार्टनर को साथ नहीं देता है, अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ देते हैं, पूरी तरीके से उससे अलग हो जाते हैं और वो पर्सन फिर सुसाइड कर लेते हैं। इस टाइम आप ही लेंजन की हिम्मत हो। क्या लेंजन मैरिड है? तो लेंजन की माँ सर हिलाती है, बोलती है हाँ, और वो फादर बनने वाला है। तो डॉक्टर फिर शौक में हो जाता है, डॉक्टर बोलता है उसका पार्टनर कहाँ है, उसकी वाइफ कहाँ है? तो डॉक्टर तो लेंजन की माँ बोलती है, इसकी वाइफ नहीं है, उसका पार्टनर है। तो डॉक्टर जो एक फेक से स्माइल दे देता है। तो लेंजन की माँ देखती है डॉक्टर को, लेंजन की माँ बोलती है, डॉक्टर आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो डॉक्टर बोलता है, ऐसे टाइम पर वाइफ साथ छोड़ जाती है तो पार्टनर तो साथ रहते ही नहीं है, वो तो उसी टाइम ही, बाय द वे इसका पार्टनर है कहाँ? तो इसी में जो बीन पीछे से आ जाता है और बोलता है, मैं हूँ उसका पार्टनर। तो डॉक्टर जब विंग को देखता है तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है। डॉक्टर बोलता है, तुम हो उसके पार्टनर? तो विंग जो बोलता है, हाँ मैं हूँ उसका पार्टनर। तो डॉक्टर विंग को देख रहा था, शॉक में था कि विंग इतना ब्यूटीफुल, ये तो कभी भी उसके साथ नहीं निभाएगा। विंग और लेंजन की माँ बैठी हुई थी और दोनों ही डॉक्टर की बात गौर से सुन रहे थे और डॉक्टर जो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है कि लेंजन को आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। विंग जो डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था, तो विंग जो फिर परेशान हो जाता है, विंग की आँखें नम होती है, विंग डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर तो क्या लेंजन इसी तरह रहेगा? लेंजन का फेस जल चुका है पूरी तरीके से, लेंजन का पूरा फेस जल चुका है। डॉक्टर बताए, नहीं लेंजन का पूरा फेस नहीं जला है, लेंजन का सिर्फ आधा फेस जला है। तो विंग लेंजन का पूरा फेस नहीं जला है, लेंजन का सिर्फ आधा फेस जला है। तो विंग ये सुनकर खुश हो जाता है और वो जो फिर माँ को देखता है, माँ भी खुश हो जाती है। तो डॉक्टर विंग को देखता है, डॉक्टर विंग को देखता है, डॉक्टर बोलता है, विंग ऐसी हालात में जो मैरिड कपल होते हैं ना वो अपने पार्टनर का साथ छोड़ देते हैं, तुम अपने पार्टनर का साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? तो विंग जो डॉक्टर को देखता है और विंग की आँखों में आंसू होते हैं, विंग बोलता है, डॉक्टर
लेंजन की जो ये हालत है ना, ये मेरी वजह से हुई है। लेंजन की ये हालत मेरी वजह से हुई है। एसिड अटैक मुझ पर होने वाला था। लेंजन सामने आ गया तो डॉक्टर ये सुनते शौक में हो जाते। लेंजन की माँ भी सुनती है तो भी शौक में हो जाती है। तो लेंस विंग होता है, अगर लेंजन सामने नहीं आता तो आज लेंजन की जगह पर मैं होता। आज आप मेरा इलाज कर रहे होते। तो आप बताइए, क्या मैं ऐसे पर्सन को इस तरह छोड़ के जाऊँगा? कभी भी नहीं, मैं कभी भी लेंजन को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो डॉक्टर और लेंजन की माँ जो दोनों ही विंग को देख रहे थे और विंग की आंखों में आंसू थे। फिर विंग जो बहुत अफसर था, फिर विंग जो अपनी आंखें साफ करता है और बताए, डॉक्टर क्या कोई रास्ता नहीं है विंग के लेंजन के फेस दोबारा से ठीक हो सके? तो डॉक्टर बोलते हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा पर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। जैसे लेंजन पहले था वैसा नहीं हो सकता, लेंजन के फेस पे थोड़ा सा दाग रहेगा। तो अभी हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं रात के सीन के डॉक्टर जो लेंजन को चेक करने के लिए आते हैं। लेंजन के पास जो किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, लेंजन को एक अलग से रूम में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर कूल होता है, ठंडा। और लेंजन को जो लेंजन के आसपास किसी को भी नहीं छोड़ते, बाहर से ही विंग और लेंजन की माँ जो विंग लेंजन को देख रहे थे, लेंजन का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। इसी तरह जो एक दिन बीत जाता है, यानी जो घर चली जाती है, तो माँ बोलती है, विंग मैं यहाँ पर हूँ, तुम घर जाओ, तुम्हारी तबीयत, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो विंग बोलता है, माँ, विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है, माँ इन दिनों तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बिल्कुल भी याद मत दिलाइएगा। अब मैं जब तक लेंजन ठीक ना हो जाए मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो माँ देख रही होती है विंग को जो बहुत हार्ड था और वो जो बस लेंजन को ही देख रहा था। और लेंजन के रूम के बाहर जो ये दोनों खड़े थे, जैसे हमारा सिंह करो जाता है, इन दोनों में से एक भी नहीं जाता है, ना विंग जाता है ना विंग की माँ। इसी में हमारा सिंह करता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। माँ जो बाहर बैठी होती है, विंग मामा को बोलता है, मामा आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। तो माँ बोलती है, विंग मेरा दिल नहीं हो रहा है। तो विंग बोलते हैं, माँ मैं ब्रेकफास्ट ला रहा हूँ और आप करोगी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तो माँ जो फिर बोलती है, ओके ले आओ। और फिर माँ जो विंग को देख रही होती है, असल में मामा इसलिए राज़ी हो जाती है ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि विंग प्रेगनेंट था और मामा जो चाहती थी कि ये ब्रेकफास्ट लाए ताकि मैं इसको ब्रेकफास्ट खिलाऊँ क्योंकि विंग प्रेगनेंट था। तो माँ जो इसलिए बोलती है, ओके विंग जाओ ले आओ। और फिर विंग जो जाता है, तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं विंग जो ब्रेकफास्ट ले आता है। विंग जो मामा के आगे ब्रेकफास्ट रख देता है और मामा देख रही थी कि विंग सिर्फ मामा के लिए लाया था, अपने लिए नहीं लाया था। तो मामा जो देख रही थी और फिर विंग जो जैसे ही मामा के आगे रख देता है और वो हट रहा होता है, तो मामा जैसे विंग का हाथ पकड़ लेती है और विंग को खींच के अपने साथ बिठा देती और बोलती है, और बोलती है, विंग मैं जानती हूँ इस एम्बुलेंजन की जो हालत है उसमें हम दोनों का दिल नहीं कर रहा है, बट विंग तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो लेंजन का ख्याल कौन रखेगा? अगर तुम वीक हो जाओगे तो लेंजन की हिम्मत कौन बनेगा? इस टाइम तुम्हें हिम्मत से काम लेना है और अपने आप को तैयार रखो क्योंकि अब बहुत बुरा वक्त आने वाला है। तो विंग शौक में था, विंग बोलते हैं, माँ अभी क्या बोल रही हो, कैसा बुरा वक्त? तो मामा जो बोलती है, कुछ नहीं तुम ब्रेकफास्ट करो, मामा जो टॉपिक बदल देती है। तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि सिस्टर जो लेंजन के रूम से भागते हुए बाहर आती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही होती है। तो डॉक्टर तो विंग और मामा शौक में हो जाते हैं। तो विंग और मामा सिस्टर जो भागते हुए जाती है डॉक्टर के पीछे, तो विंग और मामा जो बाहर बैठे थे तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, शौक में हो जाते हैं, क्या इसको क्या हुआ? तो विंग और लेंजन विंग और मामा जब लेंजन के रूम में जाते हैं तो लेंजन जो बैठा हुआ था और वो अपने ड्रिप को अपने हाथों से खींच लेता है और बेड से उठने की कोशिश करता है और लेंजन के फेस पे जो बैंडेज लगा हुआ था और वो उठ रहा था तो एक सिस्टर ने जो लेंजन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसको बेड पर लिटा रही थी और लेंजन जो उस सिस्टर को अपने से हटा रहा था, जैसे पुश कर रहा था, और अपने हाथों से वो ड्रिप हटा देता है, ड्रिप की जो सिरिंज लगी हुई थी वो हटा देता है। और वो जो उठ रहा था, सिस्टर जो चिल्ला रही थी कि कोई डॉक्टर जल्दी आइए, सिस्टर जो चिल्ला रही थी और वो हेल्प मांग रही थी। तो विंग और मामा जो लेंजन कैसा बिहेवियर देखते हैं, ये दोनों शॉक में हो जाते हैं। विंग और मामा फिर अंदर जाते हैं तो लेंजन जो विंग को देखता है और मामा को देखता है, तो लेंजन जो शांत हो जाता है और मामा लेंजन को देखती है। मामा बोलती है,
रेंजन, रेंजन क्या हुआ? रेंजन तुम गुस्सा क्यों हो? तो रेंजन जो माँ को देखता है और बोलते हैं माँ, और फिर माँ जो रेंजन के करीब जाती है, रेंजन को हक कर लेती है, रेंजन को बोलती है रेंजन, रेंजन तुम ठीक तो हो ना? तो रेंजन जो बोलता है ठीक हूँ माँ, बट मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ रोने लग जाती है, विंग ये सुनता है, विंग अपना रोना बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है, विंग भी रोने लग जाता है। और माँ ने जो रेंजन को बहुत डर डर के हक किया था, और सिस्टर जो इसी दौरान रेंजन को बेहोश होने का टीका लगा देती है ताकि रेंजन रेस्ट करे। तो इसी में डॉक्टर और दूसरी तो इसी में दूसरी सिस्टर और डॉक्टर जो भागते हुए आते हैं, तो यहाँ पर जो मम्मा और विंग रेंजन को लिटा देते हैं क्योंकि रेंजन दोबारा से बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर आता है, बोलता है क्या हुआ? तो जो रूम में जो सिस्टर खड़ी थी वो बोल रही थी कि सर कि डॉक्टर रेंजन जाग गया था और इस रूम से बाहर जा रहा था। तो डॉक्टर शॉक में था और शॉकिंग नज़र से वो विंग को देखने लग जाता है, और विंग डॉक्टर को, तो फिर इसमें मासिंग करो जाता है। तो विंग हमें दिखाते हैं, विंग और डॉक्टर ऑफिस में थे। विंग बताए डॉक्टर रेंजन को क्या हुआ है? तो डॉक्टर बताए मैं इसी बात से डर रहा था, ये इसी तरह बिहेवियर, ये कुछ दिनों ऐसा ही रहेगा, ये हर बात पर गुस्सा होगा। तो विंग बोलता है क्या? तो डॉक्टर बोलता है हाँ, इसका बिहेवियर अब पहले की तरह नहीं होगा विंग, यह पहले की तरह नहीं होगा, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। तो विंग जो शॉक में था, और विंग जो फिर अचानक से विंग की तमी में एक दर्द सा हो जाता है, तो विंग अपनी तमी पर हाथ रख देता है। तो डॉक्टर विंग को देखता है, विंग अपनी आंखें बंद करके अपनी तमी पर हाथ रख देता है। तो डॉक्टर विंग को देखता है, डॉक्टर बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ना? तो विंग जो फिर अपनी आंखें खोता है वो बोलता है तो डॉक्टर बोलता है तब तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इसको संभालना, मैं तो बस यही प्रे करूँगा कि ये हालात के साथ समझौता कर ले, मैं यही प्रे करूँगा कि लेंजन हालात के साथ समझौता कर ले और समझ जाए कि ये उसके नसीब में था और ऐसी कोई हरकत ना करे। तो विंग जो बहुत अपसेट था, तो फिर इसी में जो हमारे फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी स्टोरी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि अब रेंजन इसमें बहुत बुरा होगा, अजीब सी हरकतें करेगा और विंग को पूरी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करेगा ताकि विंग मेरी लाइफ से चला जाए। मैंने आप लोगों को एक पार्ट में बताया था कि रेंजन विंग को डिवोर्स देगा, जेवजन की तरह बिहेवियर रखेगा, वो मैं इसी का बोल रही थी। क्योंकि रेंजन इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि रेंजन यही सोचेगा कि मैं अब बदसूरत हो गया हूँ, विंग मेरे साथ रह रहा है, विंग मजबूरी में रह रहा है, विंग का दिल नहीं कर रहा है, विंग मुझसे अभी प्यार नहीं करता है, विंग मजबूरी में रह रहा है। रेंजन यही सोचकर जो विंग के साथ तरह तरह की बिहेवियर रखेगा, हर टाइम विंग के साथ बुरा बिहेवियर करेगा, मतलब स्टोरी में रेंजन बुरा करेगा बट विंग जो उसके हर बुरे को सीधा करने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल भी विंग को नहीं, अभी को भी रेंजन को नहीं छोड़ेगा। तो मतलब स्टोरी कुछ फनी भी होगी तो कुछ हर्ट करने वाली भी होगी। अब शुरू में थोड़ी सी सैड होगी क्योंकि इसमें भी रेंजन थोड़ा तकलीफ़ में होगा क्योंकि अब इसकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी जो कि विंग को देखनी पड़ेगी, और उसके स्किन के साथ साथ जो लेंस विंग को रेंजन के बुरे बिहेवियर को भी झेलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि विंग का जो ये लवली डबली हस्बैंड जो अब डेवल जैसी हरकतें करेगा तो क्या होगा, और विंग कैसे इसको पहले की तरह करता है, कैसे इसको यकीन दिलाता है कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है, हम कि एक पार्टनर जिसे प्यार करता है वो खूबसूरती की वजह से नहीं करता है, वो प्यार इस वजह से उस इंसान से करता है। विंग अब ये रेंजन को बताएगा बट उसमें कितना टाइम लगता है वो तो देखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।